शनिवार को जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला सभागार में टिहरी झील प्रभावित चोपड़ा व मदन नेकी के ग्रामीणों के साथ वार्ता की। इस मौके पर चोपड़ा के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई कि टीआरडीसी द्वारा चोपड़ा की अधिकृत भूमि का प्रतिगत 19 खातेदारों को ही दिया गया है, जबकि उसमें अन्य का भी हिस्सा था। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की। इस संबंध में टीआरडीसी ने अवगत कराया कि वर्ष 2005 में टिहरी झील बांध हेतु चोपड़ा में अधिकृत भूमि का पुनर्वास नीति के तहत 19 काश्तकारों में से 7 पात्र खातेदारों को पूर्ण भुगतान तथा शेष को नियमानुसार आंशिक भुगतान किया गया है, जिसका शपथ पत्र भी उपलब्ध है। वहीं 2010 में मलबे हेतु अधिकृत भूमि का प्रथम किस्त 5,00,000 रुपए के रूप में संबंधितों को दी गई है। जुलाई 2016 में ग्रामीण द्वारा डंपिंग बंद कर दी गई थी, तब से परियोजना कोटी में ही डंपिंग कर रही है। वहीं मदन नेकी ग्रामीणों ने वर्ष 2010 में हुए सर्वे के आधार पर 32 क्षतिग्रस्त मकानों के पुनः सर्वे कराने की बात कही। इस संबंध में टीआरडीसी के अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्ष 2011, 2017 एवं 2018 में विशेषज्ञ समिति द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें प्राकृतिक आपदा इसका कारण बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि IIT रुड़की के विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जा रही है, जो आने वाले दिनों में टिहरी बांध झील प्रभावित गाँवों की मॉनिटरिंग करेगी। से और चोपड़ा से जो प्रभावित परिवार थे उनके साथ मीटिंग की गई थी, और उसमें एक IIT रुड़की के द्वारा एक हम मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में कार्य प्रारंभ करेगी। तो जो भी हमारे विलेजेस हैं जहाँ पर JEC के द्वारा मॉनिटरिंग करने की हमको उसमें एडवाइस दी गई, वहाँ मॉनिटरिंग कराएंगे। और साथ ही चोपड़ा के जो उनके जो मांग थी चोपड़ा ग्रामवासियों के लिए, उनको भी हमने बताया कि विधिक एक राय ले लें, और उसमें अगर कोई माननीय न्यायालय को अप्रोच करने का कोई रास्ता हो, या फिर जो भी अन्य प्रोसेस हो सकती है जहाँ से उनका मुआवजा निर्धारण हो, या फिर पुरानी जो भी उन्होंने जो शिकायत करी है मुआवजा निर्धारण वितरण में, कि वहाँ पर जो मुआवजे का वितरण हुआ है उसमें उनके द्वारा उनसे पूछा नहीं गया या उनका सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसमें भी वो अपनी एक प्लेन डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी फिर डायरेक्शन होगा और जो जो TSDC को होगा या जिला प्रशासन होगा, तो उसमें अगली कार्रवाई की जाएगी।